नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिहान कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रॉस या फिर स्ट्रेट पंच, उसको स्ट्रेट पंच बोलते हैं जो कि किकबॉक्सिंग में यूज होता है। तो उसको पूरी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारी वीडियो को रैंक मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपको ये स्टांस कैसे लेना है, वो आपको मैंने बताया है। आपको वो चीज़ ध्यान देना है, प्रैक्टिस कर लेना है। फिर मैं नॉर्मली ले रहा हूँ ऐसे। अब ये हाथ चिन के पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन के पास में। ये हाथ आपका रिब्स के पास में एकदम ठीक से रहेगा। आपका जो चिन है हल्का सा डाउन रहेगा। आँख है जो आई कॉन्टैक्ट एकदम दुश्मन के टारगेट के एकदम पास में, एकदम उसके आँख में देखना है। यहाँ से हाथ रखे एकदम जैसे सीधा, यहाँ से एकदम सीधा रखे हैं। और ये पंच और ये पंच और ये पंच। अब किसी ने मुझे बोला, एक वीडियो में कमेंट आया था जब जैब पंच बताया, तो उसने बताया कि आपका शोल्डर उठ जा रहा है, आप गलत बता रहे हो। तो डिपेंड करता है ना कि आपने जिस टीचर से प्रैक्टिस किया है। आपके टीचर ने बोला कि आपको शोल्डर नहीं उठाना है। मेरे टीचर ने, जब मैंने ट्रेनिंग किया था बहुत सारे सेमिनार, एक जो सर जिससे मैंने ये चीज सीखा शोल्डर अप करने वाला बात, वो किकबॉक्सिंग में एक 24 बार वर्ल्ड चैंपियन हुए लगातार अपने वेट कैटेगरी में, और वो शायद आई थिंक फ्रांस से थे। तो सब टीचर अलग अलग बताते हैं, सबका टेक्निक अलग अलग है, आपका तरीका करने का अलग अलग है। सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पंच होना चाहिए। तो वैसे ही आपका भी है। आपके सर ने बताया कि शोल्डर नहीं उठाना है, हमारे सर ने बताया कि शोल्डर उठा सकते हैं, कर सकते हैं, उससे तो रूल्स में कुछ कट नहीं जाएगा। हाँ, अब पंच करने का तरीका में कुछ चेंज आता है, तो हर एक चीज में अलग अलग होता है। अभी हम लोग ये करते हैं। यहाँ से अगर अब क्रॉस में होता क्या है, जैब के टाइम में क्या हो रहा है, जो पैर सामने है उस हाथ से, क्रॉस में जो पैर पीछे है उस हाथ से हम लोग पंच करते हैं, उस हाथ से हम लोग पंच करते हैं। ये तो उस वक्त पंच करते वक्त ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ से जो जा रहे हैं, तो ये यहाँ से जो जा रहे हैं, देखिए ये यहाँ बॉडी स्ट्रेट और ये हाथ गाल के पास, ताकि आपको इधर से कोई पंच ना कर दे। ये हाथ और ये हाथ एकदम फेस के सामने, उसका फेस में अटैक, फेस में अटैक, फेस में अटैक। अगर इस साइड से कर रहे हैं, फेस में अटैक, ये फेस में अटैक। ये जो चीज है, ये पैर का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करते वक्त ये करते वक्त ये, वो कराटे हो, किकबॉक्सिंग हो, कोई भी आर्ट हो, आपको हिप का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप से आपको पंच को यूज करके फिर अटैक में जाए। जब हिप और पंच एक साथ जब जुड़ जाएगा, उस पंच में ताकत बहुत जोर से होगा और फिर वो सामने वाले ओपोनेंट का नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। तो आपको जब आप पंच कर रहे हैं, तो हिप यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सीखना पड़ेगा आपको। एक दिन में आता नहीं है, आप उस चीज को बार 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 लगातार करिएगा, तब जाकर आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि बस कर लिया, ये देख लिया, नहीं होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ से ये फेस गार्ड, इधर से फेस गार्ड रखना है और इधर से अटैक में जाना है, यहाँ से अटैक में जाना है। ये चीज आपको ये घुमाना है, बॉडी बैक बोन स्ट्रेट रहना चाहिए। जब इस चीज को कर रहे हैं, बैक बोन स्ट्रेट, सामने की तरफ झुकना नहीं है, पीछे की तरफ नहीं झुकना है। ये जब कर रहे हैं तो सामने की तरफ अटैक में जाएंगे, हिप के साथ में हिप यूज करते हुए फिर पंच को अटैक करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर कुछ डाउट होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने के लिए। अगर हमें पता होगा, हम जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।